बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज एक्सपीरियंस इन्फो चैनल आपको बाथरूम जो सेट होता है उसकी फिटिंग, मुकम्मल फिटिंग आपको करके दिखाएंगे, ताकि ये कुछ खर्चे जो आजकल महंगाई का दौर है उसको अपने लेवल पर ही कर लिया जाए तो उसमें काफ़ी सारी सेविंग हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो होल रखी हुई हैं, यानी जहाँ जहाँ जो फिटिंग्स आनी है, तो उसके लिए यानी शावर की फिटिंग है, बेसन की फिटिंग है, उसके बाद वाटर टैंक होता है उसकी है, उसके लिए सबसे पहले तो आप साइड से जो भी टाइल आपकी लगी है उसको साफ़ करके अच्छे तरीके से ऊपर से जो आपका मेन वाल है पानी वाला वो बंद कर दें और उसको इंशाल्लाह क्लियर करें। और फिर साथ ही में आपको ये देखें, ये फैसल सेंट्री फिटिंग है, इसका बाथरूम सेट है और उसकी एक्सेसरीज हैं उसकी, इंशाल्लाह आपको ये क्लासिक का है, इसका ब्रांड है और क्रोम है इसमें जो स्टील कलर होता है। तो 8 पीसेस ये सेट है तो बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, क्योंकि फैसल का तो आजकल फैसल हो गया, मास्टर हो गया, इदरीस हो गया, सोनेक्स हो गया, इनका नाम है तो अच्छे हैं। इनकी भी ये है कि एक दफ़ा आप लगा दें तो इनका कारीगर अगर कोई ख़राब हो जाए तो वो घर आके रिपेयर मेंटेनेंस दे जाते हैं। तो इसमें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि इसको हमने फैशन के क्लासिक को इसको हमने ओपन किया, तो ये शावर है। तो शावर एक्चुअली अब लोग तो उसमें जो चौकोर है उस पर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये ज़रा पसंद इसमें रूम में, क्योंकि ये बड़ा कंट्रोल पानी नीचे इसका आता है, ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, सीधा बंदे के ऊपर ही आता है। ये इसका बैक है और ये इसका ये फ्रंट पे लगता है। और इसका जो मटेरियल है, मैंने जो क्लासिक का सेट किया था ये को 15,000 के लगभग है, लेकिन ये डिस्काउंट दे देते हैं 22-23% इनसे बार्गेन कर लें तो ये स्टैंडर्ड देते हैं 20 के लगभग दे ही देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा करें तो 2-3% ऊपर भी दे देते हैं। ये देखें जैसे कि ये बिल्कुल ना F16 की तरह इसका ये आगे स्टाइल है क्लासिक का, लेकिन इसकी जो बड़ी अच्छी यानी फिटिंग्स और साथ कंप्लीट, इसमें आपको कोई चीज़ कोई ऐसी नहीं है कि कहें कि इसके अलावा आपको कुछ चाहिए होती है, सिर्फ आपको चाहिए एक आध पेचकस चाहिए, थोड़ी चाहिए ड्रिल मशीन चाहिए, तो बाकी सारा बंदा एक आध पाना चाहिए इसमें ना, चाहे पाइप ब्रांच हो या दूसरा पाना हो तो उससे है। ये इसी के नीचे ये देखें, ये जो बाथ मिक्सर है उसके नीचे ये लग के इसके ऊपर पैप फिट होती है और ऊपर इसका फुहारा लग जाता है। तो ये भी खोल के दिखा देते हैं आपको। इसके तकरीबन तमाम जो मटेरियल्स हैं वो बेहतरीन है, मैं इसकी फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें ये बाकायदा लीकेज प्रूफ होता है, बेहतरीन सेट है आपको घर के लिए, चूँकि बच्चों वाला घर हो, बड़ों वाला घर हो, एक तो ये फैंसी भी है, खूबसूरत भी होता है, बड़ा इजी इसकी जो स्पाइंडल है और इसके ऊपर है। सबसे बड़ी जो इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, ये चलो पाइप इसका दिखा रहे हैं, ये क्रोम पाइप ही लेना चेन लेना चाहिए इसका, ये जो इन्होंने जो मुस्लिम शावर है और हैंड पंप भी कहते हैं, तो ये इसका अच्छा इन्होंने साथ लगाया है, इसमें वैरायटी भी अच्छी है और इसका चेन पार्टिकुलर जो है बड़ा अच्छा, वो नहीं है कि हर वक्त वो सख्त नहीं होता, बल्कि नरम सा बेहतरीन, जिधर आप मूव करें मूव हो जाता है। तो इसकी देखिए ये साथ वार्शल भी और सारा कुछ कंप्लीट सेट है, यानी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस पार्टिकुलर एक एक चीज़ को निकालें और उसको लगाते जाएंगे, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। तो इसके ऊपर आजकल आपको पता है कि धागे के बजाय टेप आ रही है, तो थोड़ा सा टेप का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ जगह पे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जहाँ रबड़ का इस्तेमाल हुआ है वहाँ कोई टेप की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसकी ज़रा अच्छी उसको टाइट कर दें और बेहतरीन वो चलेगा, एक्स्ट्रा टाइट भी नहीं करना चाहिए कि वो नीचे से ब्रेक हो जाए,
नॉर्मली आप बेहतरीन अच्छे लेवल पर इसको करें। ये देखें, ये दिखा रहे हैं, ये इसका बेसन मिक्सर है। बेसन मिक्सर जो है ये इनका थोड़ा सा एंटीक है, बेहतरीन है। ये इसकी फिटिंग है नीचे और बड़ी ईजिली सी फिटिंग है। ये तो उसके मिक्सर के नीचे लगना है, फिर उसके नीचे ये एंड पे आखिर पे आके और उसको नीचे से ये इससे ये बड़ा इन्होंने बेहतरीन इसका तांबे का बनाया हुआ है और ब्रास का भी नहीं है, ये बेहतरीन तांबे है, ये चीज़ ब्रास की है। लेकिन इसको जंग नहीं आता, ये अच्छा इन्होंने अलाय बनाया है, बेहतरीन है, इसमें आप सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करें। हाँ, क्रोम किसी लाइफ के किसी हिस्से में जाके डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन शाइनिंग इसकी अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, तेजाब का इस्तेमाल इसके ऊपर ना करें, तो इंशाल्लाह कुछ नहीं जाए इसको होता। ऊपर अगर इसको है कहीं कभी कभार ड्राई कर दें उसके। ये बेसन का वेस्ट है और इसके साथ वेस्ट पाइप भी होती है, तो ये बेहतरीन है। देखिए इन्होंने प्रोटेक्शन कितनी की हुई है, इसकी काफ़ी मोटाई है, ये आप चेक कर रही, ये देखें इसकी इतनी मोटाई है। तो लाजमी बात है, इतना तो आयरन का भी हो तो उसको भी वो भी देरपा होता है और उस वो भी चलता है। तो साथ इसके ऊपर ये कवर हैं बेहतरीन है, इनको भी आप बेहतरीन, ये देखें इसकी। और इसके तीन इसके साथ होते हैं टीकाक के और एक डबल बिपकाक है, बिपकाक के साथ ये एंड मुस्लिम शावर। इसका सबसे जो मैंने जो किया था, क्योंकि इन ज़्यादातर सेट जो है इनमें होता क्या है कि जो इनका ऊपर से ना ये जो कवर लगा है, इस कवर के नीचे प्लास्टिक का कैचर लगा होता है, जो कैचर होता है वो डिस्टर्ब करता है प्लास्टिक का होता है। तो मैंने ये क्रोम वाले ही लिया है, तो इसके ऊपर से पेच लगता है और ये सारी ज़िंदगी नहीं ख़राब होता इसकी। मैं अब ये देखें, मैंने फिटिंग आपको दिखा रहा हूँ कि जब फिट करके ये बेहतरीन कोई इसमें ये मैंने किया, ये कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, एक दिन में बेहतरीन एक बाथरूम बंदा इसको एडजस्ट कर सकता है। एक ड्रिल की ज़रूरत है और ये कुछ फिटिंग्स बस लगानी होती हैं। ये देखें इसको, ये बाकायदा तौर पर आप पानी इसका पीछे से ओपन है, कहीं लीकेज नहीं है, कहीं एक कतरा भी नहीं गिर रहा और बेहतरीन है इसमें। इसमें आपको शावर भी दिखा देते हैं, इसका बेहतरीन है, ऊपर से शावर भी बेहतरीन, देखिए फिटिंग हो गई है। और इंशाल्लाह आपसे दोबारा और वीडियोस भी देंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।